बंधन शत्रु तेरा ही आसरा, प्रेमी गुरचरण सिंह, पुत्र श्री कृपाल सिंह, गाप कोटदूना, जिला संगरूर, पंजाब से सतगुरु की अपार रहमत का वर्णन करता है। 27 फरवरी 1995 की बात है, मुझे सपना आया कि मेरा स्कूटर के साथ एक्सीडेंट हो गया है और मेरी टांग 3 जगह से टूट गई है। सपने में ही मुझे डॉक्टर सतीश के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पूज्य हजूर पिताजी वहीं मेरे पास पधारे और मैंने जी भर कर शहनशाह जी के दर्शन किए। परम पूजनीय हजूर पिताजी ने मेरे पर अपनी पवित्र दया दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, बेटा ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं। मैंने कहा, पिताजी आप तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं होने देते और ना ही अब है। पूज्य पिताजी मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर अलोप हो गए। प्यारे दत्तार जी के दर्शन करके मुझे असीम खुशी हुई और साथ में ही मैं सोच में पड़ गया कि मामला क्या है। अगले दिन 28 फरवरी 1995 को 12 बजे दोपहर को मैं बरनाला से दनौला ठेकेदार के पास साइकिल पर जा रहा था। रास्ते में ही मेरा एक स्कूटर सवार के साथ एक्सीडेंट हो गया। मेरी वही टांग जो सपने में टूटी थी स्कूटर के नीचे आ गई। उसी क्षण परम पूजनीय हजूर महाराज जी वहाँ पर प्रकट हो गए। पूज्य पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों से स्कूटर को ऊपर उठाया हुआ था, मेरी टांग पर स्कूटर का भार नहीं आने दिया। मैंने तुरंत अपनी टांग स्कूटर के नीचे से खींच ली। प्यारे सतगुरु जी ने मेरी टांग टूटने से बचा ली, जो कि वास्तव में टूटनी ही थी। वह मेरा कोई कठोर कर्म था जो सतगुरु जी ने अपनी दया मेर से सपने में ही काट दिया। अगर मैंने अपने सतगुरु जी का पल्ला ना पकड़ा होता तो पता नहीं मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इस प्रकार पूरा सतगुरु अपने जीव की पल पल क्षण क्षण संभाल करता है। शिष्य को यह पता भी नहीं चलने देता कि कब मुश्किल आई और कैसे टल गई। संकट के समय जितनी जल्दी सतगुरु सहायता के लिए पहुंचता है, उतनी जल्दी और कोई नहीं पहुंच सकता। जीव की जो मदद सतगुरु कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। जो जीव सतगुरु के हुक्म को मानते हुए उसकी रजा में रहते हैं, सतगुरु उनके भारी से भारी कर्मों को सूली से सूल कर देता है। जैसे कि अप्रोप साखी से स्पष्ट है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।